नमस्कार। आज के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन के स्टूडियो में मैं डॉक्टर गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ इग्नू से इस चर्चा सत्र के संयोजन के लिए आपके समक्ष हूँ। मित्रों, जब हम प्राथमिक विद्यालयों की बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो कई बार वहाँ अध्यापकों की कमी एक समस्या होती है, कई बार संसाधनों की कमी एक समस्या होती है, कई बार विद्यालयों की आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याएं आती हैं, विद्यालयों का दूरस्थ स्थानों पर होना समस्या होती है। परंतु इन सारी समस्याओं का सामना किसको करना पड़ता है? एक शिक्षक होने के नाते हमको, उन शिक्षक साथियों को जो इन विद्यालयों में शिक्षण कर रहे होते हैं, उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। इसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो उनके हाथ में होती हैं, जिनका वो समाधान ढूंढ सकते हैं। कुछ परिस्थितियाँ परिस्थितिजन्य होती हैं, वहाँ उनको केवल उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रयोग से अच्छे समाधान ढूंढने होते हैं, उनको नियोजित करना होता है, उनका कार्यान्वयन करना होता है। ऐसे ही दो बिंदु हैं, बहुस्तरीय शिक्षण और बहुवर्गीय शिक्षण। इस सत्र में हम उसके एक आयाम बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण पर बात करेंगे। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में शिक्षा विद्यापीठ में सहायक आचार्य हैं और विगत कई वर्षों से शिक्षक शिक्षा में संलग्न हैं। ऋषभ जी, मैं इस चर्चा के प्रारंभ में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो दो शब्द अक्सर प्रयोग किए जाते हैं और कई बार शिक्षक साथी भी उनमें भिन्नता उतनी स्पष्टता से स्पष्ट नहीं कर पाते कि बहुवर्गीय शिक्षण और बहुस्तरीय शिक्षण, मल्टी लेवल क्लासरूम और दूसरा जो इसका मल्टी ग्रेड क्लासरूम जिसको बोलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? और इसके अंतर को आप उल्लेखित करते हुए ये स्पष्ट करें कि ये बहुस्तरीय कक्षा होती क्या है। जी, धन्यवाद गौरव जी। आपकी प्रस्तावना ने एक साथ कई विषय स्पष्ट किए। पहला, आप जिस दृष्टि से आपने शुरुआत की और आपने कहा कि कई बार हम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण को सुविधा से अधिक चुनौती के रूप में देखते हैं, सहमत हूँ, यह हमारे लिए एक चुनौती है। और इसी चुनौती के दो पक्षों का आपने उल्लेख किया, क्या? बहुवर्गीय शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण। अब हमें इन अवधारणाओं पर आने से पूर्व विद्यालय की संरचना और उसकी पूरी व्यवस्था के कुछ आधारभूत प्रक्रियागत मान्यताओं को समझना होगा। जैसा कि कक्षा शिक्षण एक समूह की मान्यता पर आधारित होता है जी। कक्षा में विभाजन का आधार आयु और उपलब्धि स्तर होते हैं। हम मानकर चलते हैं कि आयु विशेष में कक्षा विशेष के विद्यार्थी में सीखने की तैयारी लगभग समान होती है। और इन्हें ही ध्यान में रखकर शिक्षण आकलन पाठ्यचर्या आदि का हम निर्धारण करते हैं। जबकि आपके सामने दो अलग अलग तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जी। वे परिस्थितियां कैसी होंगी? पहली स्थिति यह हो सकती है कि आप एक ऐसे विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हों जहां विद्यार्थियों की संख्या सीमित है और आपको एक बार में एक से अधिक कक्षा का शिक्षण करना पड़ रहा है जी। आप यहां एक से अधिक कक्षाओं का शिक्षण कर रहे हैं। कक्षाएं एक दूसरे से किन अर्थों में भिन्न हैं? विद्यार्थी की परिपक्वता, विद्यालयी अनुभव और अधिगम योग्यता के आधार पर। आपने माना कि कक्षा दो का विद्यार्थी इस विषय को इस सीमा तक जानता होगा और कक्षा तीन का विद्यार्थी दो के विषय को जान लेने के कारण अब तीन में है, तो उससे अपेक्षित है कि वो उस कक्षा के अनुरूप न्यूनतम ज्ञान का प्रदर्शन करे और उसके आगे बढ़े। यह एक स्थिति है जिसे आप बहुवर्गीय कक्षा शिक्षण के सापेक्ष समझ सकते हैं जी। दूसरी स्थिति यह है कि आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था व्यक्तिगत भिन्नता की मान्यता पर टिकी हुई है। आप मानते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में भिन्नता होती है, अधिगम गति में भिन्नता होती है, इसके अलावा अधिगम शैली में भिन्नता होती है। कक्षा बहुसांस्कृतिक है, विद्यालय से उनकी सांस्कृतिक अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जब भिन्नता के इन आयामों को आप संज्ञान में लेते हैं तो एक कक्षा विशेष में भी
अलग अलग स्तर निर्मित हो जाते हैं जी। अब आप देखिए, जब आप एक कक्षा से दूसरे कक्षा को भिन्न मान रहे हैं तो औसत के आधार पर उसकी तुलना कर रहे हैं, अर्थात कक्षा दो के विद्यार्थियों का की औसत परिपक्वता, औसत आयु, औसत उपलब्धि के आधार पर आप उन्हें कक्षा तीन के विद्यार्थियों से भिन्न मान के चलते हैं। और जब वे दोनों एक कक्षा में आ जाते हैं तो आप कहते हैं यह बहुवर्गीय कक्षा है। लेकिन आप एक कक्षा में ही जिन पक्षों का मैंने उल्लेख किया, अधिगम क्षमता, रुचि, प्रेरणा स्तर, सांस्कृतिक अपेक्षाएं आदि के सापेक्ष देखेंगे तो आपकी कक्षा में भी एक से अधिक प्रकार के ग्रेडेड लेवल्स हैं जो विद्यालय के द्वारा परिभाषित कक्षा के सापेक्ष अलग नहीं हैं, लेकिन कक्षा विशेष के सापेक्ष वे अलग हैं। अर्थात बहुवर्गीय शिक्षण एक प्रकार का बहुस्तरीय शिक्षण होता है, जबकि बहुस्तरीय शिक्षण में एक कक्षा के अंतर्गत भिन्नताओं को आप एक्नॉलेज करते हैं। यदि मैं इसे ऐसे समझाऊं कि बहुस्तरीय कक्षाओं के दो स्वरूप होते हैं, पहला बहुवर्गीय कक्षा भी बहुस्तरीय है। क्यों? क्योंकि वहां एक से अधिक पाठ्यचर्या है, विद्यार्थियों की परिपक्वता में अंतर है, नैदानिकोत्तरक शिक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी एक कक्षा भी विविध दक्षताओं से युक्त हो सकती है, जिसमें अधिगम शैली की भिन्नता होगी, भाषिक दक्षता में भिन्नता होगी, अभिप्रेरणा स्तर में भिन्नता होगी, विद्यालय ज्ञान में भिन्नता होगी। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ तो बहुस्तरीय शिक्षण एक बड़ा टर्म है जिसके दो स्वरूप हैं, एक बहुवर्गीय शिक्षण और एक आप अपने कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न आधारों पर अलग अलग स्तरों पर देख रखकर देखते हैं। और यह दोनों ही स्थितियां आपके लिए एक संभावना पैदा करती हैं जहां आप अपने व्यक्तिगत दायित्व का निर्वहन करते हुए उनके लिए अधिकम परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं। शायद ये अंतर स्पष्ट हुआ होगा जी। ऋषभ जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुवर्गीय कक्षाओं और बहुस्तरीय कक्षाओं में अंतर स्पष्ट किया और शिक्षक साथियों को ये समझने में मदद मिली होगी कि एक बहुस्तरीय कक्षा क्या होती है और उसमें जो बहुस्तरता है उस बहुस्तरता के विभिन्न आयाम क्या हैं। अब यदि एक कक्षा एक बहुस्तरीय कक्षा है तो उसका स्वरूप कैसा होता होगा, मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा और चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बहुस्तरीय कक्षा का स्वरूप कैसा होता है। बहुस्तरीय कक्षा का स्वरूप प्रायः आप उसे केवल मनोवैज्ञानिक चरों के सापेक्ष परिभाषित करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि एक औसत की संकल्पना लेते हैं, वह औसत प्रायः औसत उपलब्धि होती है, और फिर कहते हैं कि यह इस औसत उपलब्धि से अधिक योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें आप कई बार प्रतिभाशाली की कोटि तक ले जाना चाहते हैं, और कहते हैं कि ये औसत से पिछड़े हुए हैं, और फिर कहते हैं ये अधिगम निर्योग की कोटि की ओर इन्हें ले जाना चाहते हैं। यह एक तरीका हुआ देखने का जी। अब अगर आप इसे संस्कृति के सापेक्ष देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ अध्ययनों में ऐसा पाया गया कि प्रायः कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जहाँ वयस्क से बातचीत करने को हम एक अच्छा सामाजिक मानक नहीं मानते हैं, वहाँ पर बच्चे प्रायः चुप रहते हैं। अब अगर आप इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो आप कहेंगे तो चुप रहने वाले बालक हैं और इन्हें आप औसत से नीचे की ओर धकेलेंगे, जबकि सांस्कृतिक अपेक्षाओं की दृष्टि से देखें तो वह अपने सामाजिक मानक का पालन कर रहा है। तो बहुस्तरीय कक्षा में जो मनोवैज्ञानिक चरों का प्रभाव है और जो सांस्कृतिक संस्कृति प्रधान चरों का प्रभाव है वह इसे जटिल बनाते हैं। यदि आप केवल अभिप्रेरणा अभिरुचि की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप उसके उन पक्षों को दायरे में नहीं ला रहे हैं जो उसके व्यवहार, उसके विचार, उसके विश्वास को निर्मित कर रहे हैं। बहुस्तरीय कक्षा के स्वरूप को विवेचित करते हुए समझते हुए आपको मनोवैज्ञानिक चरों के साथ सांस्कृतिक परिस्थितियों और संदर्भों को भी संज्ञान में लेना होगा, तब आप कक्षा के बहुस्तरों का निर्धारण कर सकते हैं। और इन बहुस्तरों का निर्धारण किए बिना शिक्षण संभव नहीं है। यदि इन बहुस्तरों के निर्धारण के बिना आप शिक्षण करेंगे तो आप केवल उन औसत विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कर रहे हैं जो आपके मानक पर फिट बैठते हैं। इस मानक से डेविएट करने वाले विद्यार्थी और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न और विशिष्ट विद्यार्थी आपके शिक्षण से लाभान्वित नहीं हो रहे होंगे जी। मुझे लगता है इसमें एक और आयाम आपसे चर्चा करते करते मेरे मस्तिष्क में आया और जो अक्सर देखने में मिलता है। आपने कहा कि
कई बार अध्यापक उन विद्यार्थियों को एक अलग स्तर का मान लेते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते, और उन विद्यार्थियों को एक अलग स्तर पर रख लिया जाता है जो अध्यापकों से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, निरंतर वार्तालाप करते हैं। लेकिन इसके सांस्कृतिक सामाजिक कारण के साथ साथ कई बार परिवेश भी एक बड़ा प्रभाव होता है। मान लीजिए बच्चा ऐसे परिवेश से आ रहा है जहाँ भाषा, वह भाषा जो कक्षा कक्ष में बोली जा रही है वह उतनी उच्च स्तर की है, जबकि जो उसकी अपनी भाषा है वह उतनी उस स्तर की नहीं है। वह उसकी अपनी मातृभाषा हो सकती है या कई बार वह उसकी सामान्य बोली हो सकती है, तो उसको लगता है कि यदि मैं सही भाषा में अध्यापक के समक्ष नहीं बोलूँगा तो शायद उसको भाषा को लेकर भी कई बार हीन भावना हो जाती है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वो यह तय करे कि उसकी कक्षा में यदि विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थी हैं तो वे विभिन्न स्तरों के आधार क्या हैं, और वह निर्धारित करे वह सांस्कृतिक आधार हैं, वह मनोवैज्ञानिक आधार हैं, वे भाषागत आधार हैं, वे योग्यता के आधार हैं, वह क्षमताओं के भी आधार हो सकते हैं, वह अभिरुचियों के भी आधार हो सकते हैं। तो एक शिक्षक को ये तय करना होगा कि उसकी कक्षा में जो विभिन्न स्तर हैं उनके क्या विभिन्न आधार हैं। अच्छा, एक बहुस्तरीय कक्षा में जब शिक्षक शिक्षण करते हैं तो वे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनका सामना एक शिक्षक को करना पड़ता है? आपने जहाँ जिन बिंदुओं को रेखांकित किया उसमें कुछ बात मैं जोड़ना चाहूँगा। भारत के संदर्भ में बहुस्तरीय कक्षा और भाषा का स्वरूप एक महत्वपूर्ण आयाम है जी। और इसे हम कई बार उपेक्षित कर देते हैं, क्योंकि भाषाई विविधता के साथ साथ बोलियों का होना और भाषा के मानक स्वरूप के प्रति हमारा आग्रह कक्षा में एक अलग तरह के स्तर का निर्माण करता है जी। और उस स्तर पर फिट न बैठने के कारण बहुत से विद्यार्थी बाहर की ओर खिसकते हैं। इसलिए विद्यालय की भाषा और रोजमर्रा की भाषा जैसे विभाजन भी देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में मानक भाषा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो इस ओर बढ़ गए हैं उन्हें आप कहते हैं वो अधिगम में दक्ष हैं, और जो किन्हीं भी कारणों से इस ओर नहीं बढ़ पाए हैं उन्हें आप कहते हैं कि ये उस स्तर के नहीं है, और इस टाइप का ठप्पा उन्हें विद्यालय में असफलता की ओर ढकेलता है। दूसरा सवाल आपका था कि बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षकों को किन समस्याओं का, किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है जी। पहला तो संसाधन और विधियों की पहचान की समस्या है। आप किन विधियों द्वारा कक्षा को अलग अलग स्तरों में विभाजित करेंगे, किन संसाधनों का प्रयोग उनके शिक्षण के लिए करेंगे। प्रथम दृष्टया आप कक्षा में भागीदारी के आधार पर बच्चों का समूहन कर रहे हैं, कई बार उपलब्धि के आधार पर कर रहे हैं, रुचि के प्रदर्शन के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन इन विधियों को पहचानने का तरीका कितना सम्यक है और क्या यह वास्तव में उनके स्तरों के लिए उचित है, यह एक शिक्षकों के लिए समस्या आती है। कक्षा का समूहीकरण, कक्षा को समूह में बांटना, अगर आप यादृच्छिक तरीके से बांट रहे हैं तो कोई किसी भी समूह का हो सकता है, लेकिन आप बहुस्तरीय कक्षा में विभाजन कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप विभाजन करेंगे, और क्या यह विभाजन आपके शिक्षण को सुगम कर रहा है या उसमें बाधा पैदा कर रहा है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। बहुस्तरीय कक्षा आपसे तैयारी के लिए अधिक और अतिरिक्त समय और संसाधन की मांग करता है। वस्तुतः आप अगर मननशील शिक्षक हैं और अपनी कक्षा की निटी ग्रिटीज को संज्ञान में ले रहे हैं तो कक्षा के पूर्व तैयारी और कक्षा के बाद तैयारी और उस पर मनन एक आपसे उन संसाधनों की मांग करता है जो एक कक्षा शिक्षण या इन मुद्दों को बिना संज्ञान में लिए शिक्षण करने के दौरान आपके लिए अपेक्षित नहीं होंगी। प्रबंधन जटिल होता है। आप एक साथ विस्मांग समूह को संबोधित कर रहे हैं, कौन किस कार्य को करेगा, कब करेगा, आकलन कैसे होगा, दस्तावेज कैसे तैयार किए जाएंगे, यह समस्याएं भी आपके सम्मुख उपस्थित होती हैं। और इस सबसे बढ़कर पाठ्य पुस्तक या अन्य सामग्री बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य से नहीं तैयार की जाती है। ये सामग्रियां तो एक औसत मानक के आधार पर तैयार की गई हैं, चाहे इनका भाषिक पक्ष हो, प्रस्तुति का पक्ष हो, अन्य पक्ष भी हैं, वे इन औसत के ही दृष्टिकोण ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अब आपके सामने जटिल समस्या है। यदि आप अभिप्रेरित शिक्षक हैं, आप बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाह रहे हैं और आपके पास आधार सामग्री नहीं है तो आपको इन्हें तैयार करने का भी दायित्व उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ शिक्षकों की तैयारी भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में जब हम कक्षा शिक्षण के लिए तैयार करवाते हैं तो इन वास्तविक समस्याओं, चाहे वह बहुवर्गीय शिक्षण हो या बहुस्तरीय शिक्षण हो, इन्हें संप्रत्यात्मक स्तर पर तो विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है, लेकिन वस्तुतः
यथार्थ में कैसे शिक्षण किया जाएगा, इसके लिए वे वेल इक्विप्ड नहीं रहते हैं। यह भी एक चुनौती के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। जी, अब मैं इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, जो समस्याएँ आती हैं, उन सब की बात की, तो एक बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण कैसे किया जाए? यदि एक शिक्षक क्या, अधिकांश शिक्षक बहुस्तरीय कक्षाओं का सामना करते हैं, मैं यह कहूँ कि लगभग प्रत्येक कक्षा एक तरह की बहुस्तरीय कक्षा होती है, तो इन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से शिक्षण करे कि भिन्न स्तरों वाले विद्यार्थियों को अधिगम में सुगमता हो, तो इसके लिए आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो विचार रखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक अध्यापक को किसी न किसी रूप में बहुस्तरीय कक्षा का सामना करना पड़ता है। यदि आप अभिप्रेरित और मननशील अध्यापक हैं और आपने अपने कक्षा के बहुस्तरीय स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, तो कहीं न कहीं आप शिक्षा के लक्ष्यों को पाने की ओर पहला कदम उठा चुके हैं। मूल समस्या इसी बात की है कि हम यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारी कक्षा बहुस्तरीय है। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप विचार करें, कक्षा स्तर के अनुरूप विद्यार्थी कितना तैयार है, कौन से उसके मजबूत पक्ष हैं, कौन से उसके कमजोर पक्ष हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, जैसे विषय में उपलब्धि के स्तर के साथ साथ सांवेगिक विशेषताओं, जैसे समूह में घुलना मिलना, अकेले रहना, तनाव झेलना, तनाव लेना, सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे भाषा और परिवेश आदि के अवयवों को संज्ञान में लेते हुए आप कक्षा के बहुस्तरों की परिकल्पना करें। जब आप ये परिकल्पना कर लें तो आपको मान के चलना होगा उस परिकल्पना को क्रियान्वित करने के पूर्व कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने गति के अनुसार सीखता है और आपकी कक्षा उसे यह सुविधा उपलब्ध कराए। गति का प्रारंभ कहाँ से होगा? गति का प्रारंभ उसके अधिगम स्तर से होगा जिसके आधार पर आपने कक्षा को अलग अलग समूहों में विभाजित किया है। इसके अलावा आप उन्हें एक स्वतंत्रता दें कि वे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी समूह में कई बार सहभागिता कर सकें। अब जब आप कक्षा का समूहन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि कई बार आप समांग समूहन करें जिसमें एक जैसी योग्यता और दक्षता वाले विद्यार्थी हों और वह निर्धारित टास्क को परफॉर्म करें। कई बार मिश्रित दक्षता वाले विद्यार्थियों का समूहन करें। कई बार आप बहुस्तरीय कक्षा में विस्मांग समूहन को श्रेष्ठ माना जाता है। यह माना जाता है कि एक अधिक दक्ष विद्यार्थी के साथ एक कम दक्ष विद्यार्थी का समूह बनाने पर उस पीयर ट्यूटरिंग का भी प्रभाव उस पर आएगा और वह उस दक्षता की ओर बढ़ेगा। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि यह दक्षता, या जैसा आपने पहले भाषा के पक्ष की ओर भी संकेत किया था, मान लीजिए आप दो अलग अलग स्तर के भाषिक दक्ष समूहों को संयोजित करके किसी लेखन कार्य को, मान लीजिए कोई आपने निबंध लिखने का कार्य, रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा और उसमें दो ऐसे विद्यार्थियों का समूह है जिसमें से एक उस भाषा में लिखने में दक्ष हैं, दूसरा समझते तो हैं लेकिन उनको एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उनके साथ वे अपनी इस हिचक को या व्याकरण की त्रुटियों को या शब्दों के चयन को दूर करेंगे। यहाँ पर अध्यापक की अनुपस्थिति उसके लिए एक तरीके का वरदान है, अन्यथा अध्यापक के समूह को अपनी बातों को रखने से हिचकेगा। लेकिन विस्मांग समूह में अपने साथी का अनुकरण करके इस भाव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया और अपनी समस्याओं को रखे कि मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूं, वह सीखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। शिक्षण अधिगम के पूर्व आपको विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पहचाननी होंगी। इसके लिए आप कई बार विद्यालय के रिकॉर्ड को उपयोग में ले आ सकते हैं, साथी शिक्षकों से पूछ सकते हैं जिन्होंने पूर्व में उस कक्षा में अध्यापन किया हुआ है, और निदानात्मक और प्रतिभा परीक्षण का उपयोग भी कर सकते हैं। जब आप पिछली कक्षा के शिक्षकों से राय लें तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जो ऐसा मैंने पहले भी कहा, कि उस विद्यार्थियों के सकारात्मक पक्ष क्या हैं, कौन सी उसकी दक्षताएं हैं जिन्हें हम मजबूत कर सकते हैं, कौन से ऐसे पक्ष हैं जिससे हमें उसे बचाना होगा, या वो कौन से उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कक्षा में उसकी समस्या मूलक हो सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम पाठ्यचर्या को अगर संज्ञान में लें तो विद्यार्थी की इन भिन्नताओं और स्तरों को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना है। ध्यान यह रखना है कि पाठ्यचर्या के अनुकूलन में कक्षा में यह मैसेज न जाए कि कुछ तेज हैं कुछ कमजोर हैं, अर्थात आपको पूरी कक्षा को एक साथ लेकर पाठ को प्रारंभ करना है।
जिससे वे अपने आप को एक तल पर समझें। अब जैसा आपने समूह निर्मित किया है उसको ध्यान में रखते हुए कक्षा कार्य और गृह कार्य में विविधता ले आए। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों में विभेद का भाव नहीं आएगा कि मैं किसी मानक पर आगे हूं तो मुझे यह कार्य मिला और मैं किसी मानक पर पीछे हूं तो मुझे यह कार्य मिला। उनमें एक वह एक साथ कार्य करने के लिए अभी प्रेरित होंगे। चूंकि अब आपने पाठ्यचर्या का अनुकूलन कर लिया है, उसी के अनुरूप कक्षा कार्य गृह कार्य दे रहे हैं, लेकिन अब आपका यह भी दायित्व बनता है कि आप विद्यार्थियों की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा तैयार करें। इससे आप अपना भी आकलन कर सकेंगे, शिक्षण विधि का भी आकलन कर सकेंगे और विद्यार्थी का भी आकलन कर सकेंगे। क्या वास्तव में वह विधि, वह स्तरीकरण सफल हुआ या विद्यार्थी के सापेक्ष, संदर्भ के सापेक्ष वह सफल नहीं हो रहा है। सीखने की जांच माइलस्टोन के सापेक्ष करें। आगे मैं माइलस्टोन के कॉन्सेप्ट पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर यदि हम समझें कि आपने इस किसी अधिगम कार्य के लिए एक उच्चतम स्तर का प्रदर्शन निर्धारित किया था तो क्या विद्यार्थी वहां तक पहुंचा, इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक की चर्चा में मैंने अभिभावकों को संज्ञान में नहीं लिया या उन्हें दायरे से बाहर रखा है, लेकिन बहुस्तरीय कक्षा के शिक्षण में विद्यार्थियों की प्रगति से अभिभावकों को भी परिचित कराएं, उन्हें भी लूप में रखें और केवल सूचना न दें बल्कि उन्हें की भूमिका और अपेक्षित सहयोग के बारे में उन्हें जागरूक करें। तभी आप विद्यार्थी की पोटेंशियल को क्रियान्वित कर सकते हैं, उसे एक्चुअलाइज कर सकते हैं। जी, आपने बहुस्तरीय कक्षा के विभिन्न आयामों पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला और शिक्षक शिक्षा से जुड़े होने के नाते हम सब जानते हैं कि विभिन्न संस्थाओं ने बहुस्तरीय कक्षाओं पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उसमें से बहुत सारे प्रयोग प्रसिद्ध भी रहे हैं। और जब हम शिक्षकों से बात कर रहे हैं कि बहुस्तरीय कक्षाओं में शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए, वो किस प्रकार के क्रियाकलापों का नियोजन कर सकते हैं, किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, तो एक बड़ी प्रसिद्ध प्रयोग रहा है जिसको ऋषि वैली अप्रोच बोलते हैं, ऋषि वैली उपागम बोलते हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों के लिए कि वो आप उनको बताएं कि वो अप्रोच क्या थी और किस तरह से उन्होंने बहुस्तरीय शिक्षण के क्षेत्र में काम किया, ताकि उनके जैसे अन्य उदाहरण हमारे अध्यापक भी ढूंढ पाएं और उनके अनुप्रयोग कर पाएं। यह सवाल हमारे सेवारत अध्यापकों के लिए एक दिशा का कार्य करेगा। ऋषि वैली अप्रोच एक शिक्षक को अवसर देता है यह जानने का कि कैसे वह अपनी रोजमर्रा के शिक्षण में नवाचार को क्रियान्वित कर सकता है। यह 1993 में ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज आंध्र प्रदेश द्वारा इसका विकास किया गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों तरह के अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंगता अर्जित करने हेतु योग्य बनाने के लिए क्रियाकलाप डिजाइन किए गए थे। देखिए, जब आपकी कक्षा एक समूह है, उसके स्तर अलग अलग हैं, वहां व्यक्तिगत रूप से भी कार्य दिए जा रहे हैं और समूह में भी कार्य दिए जा रहे हैं, तो ऋषि वैली अप्रोच ये कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में अधिगम दक्षताओं की सूची तैयार की जाए। गहन विश्लेषण के बाद इन दक्षताओं को एक क्रम में व्यवस्थित करें, प्रायः सरल से कठिन के क्रम में, और दक्षता का प्रत्येक स्तर एक माइलस्टोन होगा। कहने का अर्थ यह है कि आपने मान लीजिए भाषा शिक्षण के लिए दक्षता विकसित की, शब्दों को सुनना, परिवेश से जोड़ना, अक्षर की पहचान करना, अक्षर के संयोजन से बिना मात्रा के शब्दों का निर्माण करना। अब इन्हें एक कठिनाई के स्तर में रखें और इन्हें माइलस्टोन माने, इनके सापेक्ष जांचें कि क्या वह विद्यार्थी जिस स्तर पर है उस स्तर के माइलस्टोन में दक्ष हुआ या नहीं, और उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा इसी अप्रोच में आगे कहा जाता है कि एक दक्षता अर्जित करने पर विद्यार्थी माइलस्टोन विशेष पर पहुंच जाता है और इसके बाद अगले माइलस्टोन की ओर बढ़ता है, और यह दक्षताएं मिलके एक लर्निंग कंटिन्यूम का निर्माण करती हैं, अधिगम सतता का निर्माण करती हैं कि आप सतत अधिगम कर रहे हैं, अर्थात एक स्तर से अगले स्तर के बीच में जो भी स्तर उन्हें आप प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब शिक्षक का कार्य क्या है, दो माइलस्टोन के बीच विद्यार्थी के अनुभव कैसे हो कि वह सुगम संचरण करे, इसका नियोजन शिक्षक को करना है। इस अप्रोच के अनुसार शिक्षक प्रत्यक्ष सहायता कर सकता है, जैसे
वह स्वयं शुद्ध उच्चारण करके विद्यार्थी को बता दे कि उसके उच्चारण में त्रुटि कहाँ थी। आंशिक प्रतिभागिता कर सकता है, जैसे यदि विद्यार्थी रंगोली के द्वारा एक नाप का कोण बनाना सीख रहे हैं तो वह कोण के माप करने में सहयोग कर सकता है। कई बार वह ज्यादा समझदार या अधिक दक्ष वयस्क साथियों के सहयोग की भी व्यवस्था कर सकता है कि एक दक्ष विद्यार्थी के साथ सीखने वाला मिलकर एक खास प्रकार के बीजों का वर्गीकरण करे, पौधों को उनके अंगों पांगों की दृष्टि से समझे और कई बार स्वतंत्र निष्पादन का दायित्व भी सौंप सकता है। स्वतंत्र निष्पादन का दायित्व यह जांचने के में मददगार होता है कि निर्धारित माइलस्टोन को विद्यार्थी ने प्राप्त किया या नहीं। अब आप यहाँ पर यह पाएंगे कि ऋषि वैली अप्रोच में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों कार्यों का तालमेल होना चाहिए, अर्थात शिक्षक एक विद्यार्थी से भी जुड़ा हुआ है, उसके समूह से भी जुड़ा हुआ है और जिन स्तरों को उसने कक्षा में विभाजित किया है उस सब पर उसकी मॉनिटरिंग जारी है। अब आप कहीं ना कहीं एक सतत रूप से तो अधिगम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहली बात कही थी कि हर माइलस्टोन कठिनता के क्रम में विभाजित है, तो एक स्तर प्राप्त करने के बाद अगले ऊंचे स्तर पर आप चढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर दक्षता प्राप्त करने के बाद अगले ऊंचे स्तर पर बढ़ रहे हैं, तो सतत अधिगम है जो आपको एक ही विषय की पुनरावृत्ति नहीं करा रहा है बल्कि एक दक्षता से अगली दक्षता की ओर ले जा रहा है और इसमें शिक्षक प्रत्यक्ष सहभागिता भी कर रहा है, दूसरे के द्वारा मार्गदर्शन करा रहा है, स्वतंत्र अध्ययन की भी व्यवस्था कर रहा है। समूहों के दौरान जैसा ऋषि वैली अप्रोच में पाया गया, इस अध्ययन में भी पाया गया कि जो विस्मांग समूहन था वहाँ पर वयस्क विद्यार्थी शिक्षक की भूमिका को निभाते हैं और कई बार वे अपने से कनिष्ठ माने जाने वाले विद्यार्थियों से भी सीखते हैं। ये दक्षताओं का नियोजन ही ऋषि वैली अप्रोच का मूल है और आपके रोजमर्रा शिक्षण के लिए इसका निहितार्थ यह है कि आप भी अपनी कक्षा के लिए पाठचर्या को दक्षता के अनुरूप नियोजित करें, यह मान के चलें कि इस दक्षता तक पहुंचने के बाद विद्यार्थी अगली दक्षता की ओर बढ़ेगा। अब आप इन दक्षताओं तक विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से पहुंचाना चाहते हैं, अपने निर्देशन में पहुंचाना चाहते हैं, किसी गतिविधि के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, यह तय करें। इसके आधार पर आपकी बहुस्तरीय कक्षा में बहुस्तर का होना बाधा न होकर एक तरह की सुविधा हो जाएगी। इस सुविधा में जो अधिक दक्ष है या अधिक ऊंचे स्तर पर है वह अपनी अलग लर्निंग ट्रेजेक्टरी पर आगे बढ़ रहा है, जो पीछे है वह दूसरे के सापेक्ष में भले पीछे हो लेकिन वह अपनी लर्निंग ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ रहा है। यह संभावनाएं कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को तो स्थान दे ही रही हैं, लेकिन कक्षा में किसी भी प्रकार के उपलब्धि या अन्य आधारों पर भेदभाव जैसी संभावना को भी समाप्त करने का निहितार्थ लिए हुए हैं। हालांकि समय, शक्ति और संसाधन की दृष्टि से आप इस दबाव महसूस करेंगे कि आप एक बहुस्तरीय शिक्षण काल के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कुशल नियोजन और प्रबंधन से आप अपने और अपने विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को समृद्ध कर सकते हैं। आज हमने जब बहुस्तरीय कक्षा पर चर्चा की तो ऋषभ जी ने बहुस्तरीय कक्षा के विभिन्न आयामों पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बहुस्तरीय कक्षा क्या है, बहुवर्गीय कक्षा से इसका क्या संबंध है और क्या भिन्नता है। साथ ही उन्होंने बहुस्तरीय कक्षा के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला और ये भी बताया कि बहुस्तरीय कक्षा में स्तरों का निर्धारण करते समय शिक्षक को किन किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए और एक बहुस्तरीय कक्षा में शिक्षण के किन उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है। ऋषभ जी ने जो ऋषि वैली अप्रोच का विस्तार से हमें उदाहरण दिया उससे हमें ये समझने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी कि बहुस्तरीय कक्षा प्रत्येक अध्यापक के समक्ष उपस्थित तो होती है परंतु प्रत्येक अध्यापक यदि सही तरीके से स्तरों का निर्धारण करे, सही तरीके से क्रियाकलापों का नियोजन और आयोजन करे तो वह बहुस्तरीय कक्षा में प्रत्येक बच्चे के स्तर में आगे वृद्धि कर सकता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और उसके शिक्षण अधिगम में सफल होने में उसकी मदद कर सकता है। आज बहुस्तरीय कक्षा पर हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के शिक्षक शिक्षा विभाग से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी, और मुझे आशा है कि हमारे जो विद्यार्थी और शिक्षक इस कार्यक्रम को देखेंगे वे निश्चित ही ये समझेंगे कि बहुस्तरीय कक्षा किस प्रकार से
बेहतर बनाई जा सकती है। आप सबने इस कार्यक्रम को सुना और देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।